भाई लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल मिलने वालों की सूची में हम उस प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं। मेरा कद और पद बहुत छोटा है, हमारे जैसे महत्वहीन लोगों से मिलना जो है उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग हो, मदरसा बोर्ड हो, अल्पसंख्यक वित्त निगम हो, उर्दू एकेडमी हो, इन चीज़ों का गठन नहीं होना ये दुखद है। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत दुखद है। जो बापू वाटिका है मोराबादी में, उसमें हम बैठेंगे आंदोलन। हेमंत सोरेन की सरकार में बोर्ड निगम का मसला कभी सुलझता तो कभी उलझता है। मुख्यमंत्री राज्य से बाहर जाने से पहले दो का लिस्ट जारी कर दिए, लेकिन अब भी है जिसकी मांग कई वर्षों से चल रही है, वो है अल्पसंख्यक आयोग। और इस बात को लेकर कई बार मुद्दा उठा, कई विधायकों ने कहा कि वर्तमान सरकार को गठन करने में सबसे बड़ा योगदान अल्पसंख्यकों का रहा। हमारे साथ अल्पसंख्यक के कांग्रेस के बड़े नेता हैं शहजादा अनवर जी। अनवर साहब, आपकी सरकार तो नाइंसाफी कर रही है, ये बात सही हो सकती है अल्पसंख्यकों के साथ, या फिर वो बात झूठी हो सकती है जो आप लोग रघुवर दास की सरकार में कहते थे? अल्पसंख्यकों के मामले में सरकार संवेदनशील रही है, कई मामलों में बहुत ही ठोस निर्णय लिया, जैसे NRC के मामले में विधानसभा में जिस तरह से प्रस्ताव पारित हुआ, मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो है वो नियंत्रित हुई, इस मामले में भी राज्य में सुधार आया है, और भी छात्रों के मामले में भी सरकार का प्रयास है। लेकिन इस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया और आज भी हम जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं। 3.5 साल का कार्यकाल सरकार का मेरी जानकारी में लगभग कंप्लीट हो गया या होने वाला है, एक आध महीना आगे पीछे होगा, लेकिन आज तक ये जो अल्पसंख्यक आयोग हो, मदरसा बोर्ड हो, अल्पसंख्यक वित्त निगम हो, उर्दू एकेडमी हो, इन चीज़ों का गठन नहीं होना ये दुखद है। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज भी हम ये कहते हैं, जब हम लोगों को ये आशा जगी थी जब दो लोगों को दो गठन हुआ, आवास बोर्ड का और धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हुआ, तो लगा कि बस अब 2-3 दिन के अंदर में हो जाएगा। मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि हमको लगता है कि 2-4 दिनों में हो जाना चाहिए, लेकिन एक एक दिन जो विलंब हो रहा है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर अकलियतों की बड़ी हिमायत इस सरकार को मिली है, और जिसका ये प्रतिल था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार ने प्राप्त किया था, तो अभी तक नहीं बना है, इससे निश्चित तौर पर पूरे राज्य में इस मामले को लेकर निराशा तो है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आपने बात किया मुख्यमंत्री से, आप खुद कार्यकारी अध्यक्ष हैं, CLP से बात किया, किससे बात किया कि हो और नहीं हुआ तो क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं अपने कैपेसिटी की बात करता हूँ, मैंने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी ने मैं 17-18 जिलों के डेलीगेट आए थे पूरे राज्य से, और मैंने शुरुआत ये की, मैंने ये समझा कि पहले हम अपने दल के जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं राज्य के अंदर में, उनके बाद में अपनी बातों को हम रख दें। मैंने माननीय विधायक दल के नेता और राज्य के जो वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं आदरणीय आलमगीर आलम साहब को, और हमारे राज्य के जो PCC चीफ है आदरणीय राजेश ठाकुर जी को अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया, रिटर्न भी और डेलीगेशन भी उनसे मिली। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के को भी ज्ञापन दिया है। पिछले एक महीने से मुझे इस बात का दुख है भाई, लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल मिलने वालों की सूची में हम उस प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं। मेरा कद और पद बहुत छोटा है। वैसे कई बार तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री के जो मिलने वाला जो कॉरिडोर और गलियारा है उसमें कई तरह के लोगों को हम आते जाते देखते हैं मिलते हुए, लेकिन मैंने प्रयास किया, मैंने रिटर्न मैसेज भिजवाया कि मैं एक डेलीगेशन के साथ में मिलना चाहता हूं, अपनी चिंताओं को व्यक्त करना चाहता हूं, अपने नेता को भी हमने बताया, लेकिन कारण जो भी रहा हो सकता है कि हमारे जैसे महत्वहीन लोगों से मिलना जो है उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है, ऐसा उनके सहयोगी जो हैं वो सोचते, जिस वजह से मुझे टाइमिंग नहीं मिल पाई। हमारे बड़े नेता जो हैं लगातार वो तो साथ में बैठते हैं, हमने सोचा कि अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए मुझे भी, मेरे जैसे नाचीज को भी 2-4 लोगों के साथ में मौका दे दिया जाए। 1.5 महीना का समय बीत गया, अभी तक हमारी मुलाकात जो है नहीं हो पाई है। हम देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, कब बुलावा आता है और कब समय मिलता है,
तो मुख्यमंत्री को हमने लिखित दिया है, एक बार मिलकर के भी अपनी बातों को रख देंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है, मैं पॉजिटिव बात भी बोलूँगा कि अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, उसमें से माननीय नेता हमारे जो हैं आदरणीय राजेश ठाकुर जी और आलमगीर आलम साहब ने मुझे बताया कि इन लोगों की गंभीर चर्चा हुए कई विषयों पर, जिसमें अल्पसंख्यक संबंधी मामलों पर भी चर्चा हुई है और मॉब लिंचिंग के मामले में भी कैटेगरिकली चर्चा हुई, ओबीसी के मामले में भी कैटेगरिकली चर्चा हुई है कि राज्यपाल ने इसको त्रुटि कहकर के वापस लौटा दिया था, सरकार फिर से एक्सरसाइज करके इसको वापस राजभवन भेजेगी। ठीक है, तो हम ये माने कि आपके नेता सीरियसली ले रहे हैं आपको, भले CM हेमंत सोरेन जी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सुना है कि वहाँ भी आप धमकी दे के आए हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ और जल्द नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे आप? मैं इस बात को दोहराता हूँ कि हम आशान्वित हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैंने कहा है कि हम राज्य सरकार के विरोध में नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री के किसी कार्यकलाप के विरोध में नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए हैं और बहुत जनकल्याणकारी काम किए हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के संबंधित कुछ जो ग्रीवांसेस हैं, हम ये सोच रहे थे और हमारी अपेक्षा थी कि वो जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल उसका निराकरण हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। हम इस बात को दोहराते हैं कि अगर हमको प्रतिबद्धता में कमी नज़र आई और मानसून सत्र में अगर इसको लाने पर विचार नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर मैं अकेला व्यक्ति जरूर रहूँगा, कौन आते हैं और कौन नहीं आते इसकी परवाह हम नहीं करेंगे। हम जो बापू वाटिका है मोराबादी में, उसमें हम बैठेंगे, आंदोलन में, अनशन में, धरना में बैठेंगे। तो इस भावना से भी अवगत करा दिया आपने सभी को? भाई पब्लिक डोमेन में तो बातें आई गई है मीडिया के माध्यम से, अब हम इस बात को भी देखेंगे कि निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी जो है सरकार का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसको भी पता चले। हमको ये आशा है, अपेक्षा है कि संवेदनशील सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी की, माननीय मुख्यमंत्री की, जरूर इस मामले में जल्द से जल्द वो निर्णय लेंगे। फिलहाल शहजादा जी कह रहे हैं हर कोई चिंतित है, संवेदनशील है, मेरा मुद्दा छोड़ दीजिए, मेरा व्यक्तिगत मुद्दा छोड़ दीजिए, मुद्दा बड़ा है, होगा काम मानसून तक तो ठीक है, नहीं तो बापू के शरण में जाएंगे और अनशन करेंगे। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.